कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगार हुए एक युवक का दर्द आंसू बनकर छलक उठा। जमशेदपुर के सोनारी मेन रोड पर पुलिस के सामने बेरोजगार शख्स फूट फूट कर रोने लगा। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के सामने बेरोजगार शख्स का दुख आंसू बनकर बह निकला। दरअसल शहर के मेन रोड पर गाड़ी की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। इसी दौरान एक शख्स को पुलिस ने रोक दिया। ये शख्स अपनी बाइक पर महिला परिजन को पीछे बिठा रखा था, लेकिन महिला परिजन ने हेलमेट नहीं पहना था। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने इस शख्स पर फाइन लगाया, वैसे ही वो अधिकारी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। शख्स का कहना था कि उसके पास हेलमेट का फाइन देने का पैसा नहीं है। रोते हुए बेरोजगार शख्स को देखकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी सकते में थे। क्या हुआ, इधर देखिए क्या। क्या हुआ, आप हेलमेट पहने थे? तो आपके साथ जो है साथी वो हेलमेट पहना था? हेलमेट एक ही था, नेचुरल नहीं पहनी। साथ में हेलमेट का है, घबराओ। कहने हेलमेट पहना क्या चलता, रोता है। एक होता तो एक ही आदमी जाता ना बाबू। कान कटारो। अरे भाग। कान कटाओ। नहीं है तो। नहीं है तो रुपया दे। वहीं बाइक चलाता युवक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहा। युवक का कहना था कि उसके घर में दूसरा हेलमेट नहीं था। युवक का कहना था कि उसके पास जुर्माना भरने का पैसा नहीं है। आखिर में विनती करते हुए युवक फूट फूट कर रोते हुए अधिकारी के पीछे घूमता रहा। उन्होंने अधिकारी के सामने रो रो कर अपनी तंगहाली बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। पीड़ित शख्स ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन से ही उसका काम बंद पड़ा है। वो बेरोजगार है और इस कारण एक एक रुपए के लिए मोहताज है। सर, एक हेलमेट था, हम जा रहे थे तो आप लोग पकड़ लिए। अड्डे उतर के बैठे हुए, काम धंधा नहीं मिल रहा सर। कहाँ का फाइन काटेंगे बोलो? पैसा ये लिए सर, बहुत मुश्किल से चल रहा। तो आप रोक किस लिए रहे थे? और तो पैसा लिए सर, 200 रुपया था। अभी हम जीएम जा रहे थे सर, और बच्चा दवा वो लाना है, भर्ती है उसका, अम्मा भर्ती है ना, पैसा। वहीं बिष्टुपुर ट्रैफिक थाने के एएसआई अवध सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवक की बुरी हालत देखकर जुर्माना नहीं वसूला गया। पत्नी दोनों हेलमेट के बिना जा रहा था, हेलमेट हाथ में रखा हुआ था, सब पकड़ाया तो रोने लगा कि मेरी नौकरी छूट गया लॉकडाउन में, मेरे खाने का नाती थी। हमने देखा भाफा की बहुत खराब उसका स्थिति है, बहुत स्थिति खराब है। लास्ट में उसको समझा बुझा के उसको बोले कि हेलमेट लगा कर चलोगे, है ना, उसको छोड़ दिया। बहुत अच्छी। जमशेदपुर के शख्स का बीच सड़क पर फूट फूट कर रोना सरकार और उसके सिस्टम की विफलता की कहानी कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।